वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत हेल्पफुल है। सो गाइस, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर चैप्टर वाइज करवाइए, तो उसका भी बंदोबस्त हमने कर दिया है। हमारा जो जेकलोन जॉब चल रहा है वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनका चैप्टर वाइज पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो सके, ठीक है। और आप बोल रहे थे सर हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए, तो उनका भी देखो आपके सामने हिंदी और इंग्लिश अवेलेबल है, ठीक है। और जो जेके लोन जॉब चल रही है वहाँ पर तो आपको हिंदी इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी हिंदी में मिल सकता है आपको, बट वहाँ तो जेके लोन जॉब चल रही है वहाँ तो रोजाना हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक का मात्रक है। ये फिजिक्स यानी कि बहुत ही विज्ञान वाले क्वेश्चन है, ठीक है। प्लांक नियतांक का मात्रक है, द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर मीटर, जूल सेकंड। आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, 5 सेकंड का टाइम है, और पूरा कंप्लीट होने के बाद एनालिसिस करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है गाइज, आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि जूल सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे की ओर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसको भी। किसी वस्तु के लिए औसत वेग और औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव क्या होता है गाइस, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इन ऑलवेज। इकाई होता है, इकाई अथवा इकाई से कम होता है, इकाई अथवा इकाई से अधिक होता है, इनमें से कम होता है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि इकाई अथवा इकाई से कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त में अचर वेग v से गति कर रही है तो उसका कोणीय वेग होगा। इसका इंग्लिश आप देख सकते हो ऊपर दिया हुआ है, इफ द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्किल ऑपरेशन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड v इट एंगुलर वेलोसिटी। चार ऑप्शन आपके सामने देवे, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही विज्ञान से अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। यदि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त से अचर वेग v से गति कर रही है तो इसका कोणीय वेग क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, वी स्क्वायर पोन आर, आर वी, वी पोन आर या फिर आर पोन वी, तो आपको सही पे टिक लगाना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला, ठीक है, वी पोन आर, याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। चलते आगे की ओर, अगला क्वेश्चन है, डीसी के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, एसी के लिए प्रतिरोध कितना होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल फॉर डीसी इज 5 ओम, इन केस ऑफ एसी द रेजिस्टेंस विल 5 ओम ही रहेगा, या फिर डिक्रीज होगा यानी कि घटेगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा या फिर 0 रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको सोच समझ के थोड़ा सा इसका आंसर सही बताना है। आई होप आपने भी टिक मार्क लगा लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, वायु से एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उत्तल लेंस से दर्पण से 100% है, दर्पण और लेंसों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वायु से एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जल में उसकी फोकस दूरी होगी, बताइए। 30 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर,
40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। गाइज प्रिपरेशन कर लो, आपका जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और आपकी वैल्यू कुछ अलग ही हो जाएगी, यानी कि आपके जो रिलेटिव हुए आपके फैमिली वाले आपका अलग ही रेस्पेक्ट करेंगे, अलग ही फीलिंग आएगी, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं करवा रहा हूँ, जो भी हेल्प लेनी है मुझसे लो, ठीक है। और मैंने बताया रखा कि अगर आपके पास टाइम रहता है तो NCERT ज़रूर ज़रूर, वो तो रोजाना है NCERT, तो 11th और 12th, और बाकी वीडियो देख लिया करो, ये MCQs में करवा रहा हूँ। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा वन ऑप्शन Y में एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो जल में उसकी फोकस दूरी होगी। इंग्लिश का भी सारा ले सकते हो आप। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज एयर इन 10 सेंटीमीटर, इट फोकल लेंथ इन वाटर विल बी 34, 14, 10। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एन की 40 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, जल में उसकी फोकस दूरी कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, चलते आगे क्यों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन में क्या क्या परिवर्तित होता है। व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड विच ऑफ द फ्लोबिंग डज नॉट चेंज, तरंगदैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, वेलोसिटी यानी कि वेग, फ्रिक्वेंसी जिसको आप आवर्ती बोलते हो। तो बताइए गाइस कौन सी चीज़ परिवर्तित नहीं होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और गांठ बांध लेना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम तो बताऊंगे ना आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिक लगा लिया, 5 सेकंड खूब है। चेक नाउ, ऑप्शन डी आवर्ती परिवर्तित नहीं होती, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है जब प्रकाश का परावर्तन होता है, जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, तरंगदैर्ध्य चेंज हो जाती है, आयाम चेंज हो जाता है, वेग चेंज हो जाता है, बट उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है, ठीक है, याद रह जाएगा। कोई भी प्रकाश जब रिफ्लेक्ट होता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, बट सब कुछ चेंज नहीं होता है, आवृत्ति क्या परिवर्तन नहीं होता है, तो आवृत्ति परिवर्तन नहीं होती, सब कुछ चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तरंगदैर्ध्य चेंज हो जाती है, आयाम चेंज हो जाता है, वेग हो जाता है, बट आवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। चल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, चलते आगे। एक और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है। विच ऑफ द फ्लोविंग इज कंजर्वड वेन लाइट वेव इंटरफेरेंस, यानी कि जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है। इंटेंसिटी जिसको आप तीव्रता बोलते हो, एनर्जी ऊर्जा, एम्पलीट्यूड आयाम यानी कि मोमेंटम संवेग, तो क्या संरक्षित रहता है गाइस, राइट ऑप्शन आपको बताना है, सब पढ़ के आए हो आप 11th 12th में। टिक लगा दो, 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एनर्जी ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है, चलते आगे की ओर। नेक्स्ट है, एक बीटा कण रेडियोधर्मिता नाभिक द्वारा किस रूपांतरण के समय उत्सर्जित होता है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियॉन का ऊर्जा में, पॉजिट्रॉन का ऊर्जा में। बीटा पार्टिकल इज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। सही आंसर पर टिक लगा दो गाइज, 5 सेकंड का टाइम है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पीएन संधि की मोटाई का क्रम होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, पीएन जंक्शन से 100% 100 क्या 101% मान लो आप, तो इतना परसेंट इसका चांसेज है, तो ये चैप्टर तो आपको पूरा याद करना है। पीएन संधि की मोटाई का क्रम होता है,
पीएन जंक्शन हैज थिकनेस ऑफ ऑर्डर, पीएन जंक्शन हैज थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, पीएन संधि की मोटाई का क्रम क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 mm, 10^1 6 मीटर, 10^1 12 सेंटीमीटर। बता दो गाइस पीएन संधि की मोटाई का क्रम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। और ये जो चैप्टर है आपके 12th में, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है गाइस। आई होप आपने टिक मार लगाया होगा किसी वन पे, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10^-6 मीटर। ठीक है, इस पे हमको टिक मार्क सही है। ठीक है, चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पीएन जंक्शन सही है। अग्र अभिनीति में पीएन संधि डायोड के विगत रोधिका की चौड़ाई, इन फॉरवर्ड वेट द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज डिक्रीज, एक समान रहती है, रिमाइनिंग सेम, पहले बढ़ती है फिर घटती है, प्रीवियसली इंक्रीज देन डिक्रीज। अग्र अभिनीति में पीएन संधि डायोड के विगत रोधिका की चौड़ाई, टिक सही लगाना है आपको गाइस। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डिक्रीज होती है, घटती है। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, जेनर डायोड इज यूज फॉर रेक्टिफिकेशन यानी कि दुष्टकारी में, मॉड्यूलेशन यानी कि मॉड्यूलेशन में, डिटेक्शन यानी कि खोज में, वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वोल्टेज के नियंत्रण में। जेनर डायोड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा दिया होगा आपने भी। 5 सेकंड खूब होते क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, चेक ना हो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, वोल्टता नियंत्रणता। देखो गाइस, जिसे आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है ना, अगर रिजल्ट के टाइम पे आपको थोड़ी सी खुशी देखनी ना, तो उसके लिए अभी तैयारी थोड़ी हार्ड करनी होगी आपको। ठीक है, तब भी खुशी वहाँ पर मिलेगी आपको। अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हो तो कोई उम्मीद मत रखना कि रिजल्ट के टाइम पे आपको खुशी मिले। ठीक है, तो जितना हो सके हार्ड वर्क कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को फॉलो कीजिए, ताकि आपके अच्छे खासे नंबरिंग आ सके। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज के टाइम पे एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना हार्ड हो गया, इतना हार्ड हो गया है कि सिलेक्शन हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आपको तो बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं जो मैं करवा रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको अपने नोट्स है वो पढ़ने हैं, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, बिल्कुल भी फिक्र आपको नहीं करनी है। ठीक है, और हमारे चैनल पर बने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चुंबकीय प्रेरित तत्व का विमीय सूत्र है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। विमीय सूत्र भी पूछ लिया जाता है गाइस आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो थोड़ा सा आपको विमीय सूत्र आना चाहिए। ठीक है ना, ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि आपकी पूरी बुक से तो नहीं आते, कुछ कुछ छोड़ के यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। टिक लगा दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने अवेलेबल करा दिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे की ओर। नेक्स्ट आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के ग्रह, पृथ्वी से एम द्रव्यमान के गोले का प्लैन वेग होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के ग्रह पृथ्वी से एम द्रव्यमान के गोले का प्लैन वेग होगा, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास एम फ्रॉम अर्थ हैविंग मास एम एंड रेडिएशन आर गिव बाय, 4 ऑप्शन आपके सामने देव है, √2gm/r, √2gm M, capital M, small m, upon r, or √2gm capital M, small m, and r। लगा दो सेटिक।
एक और ऑप्शन है एंड्रॉइड जीएम अपॉन आर, तो आपको सही टिक लगाना है। क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ लिया है, एक बार और आपको दिखा देता हूँ। एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के ग्रह पृथ्वी से एम द्रव्यमान के गोले का प्लान वेग होगा, तो ये चार ऑप्शन देख लीजिए और आपको सही टिक मार लगाना है। लगा दिया होगा आई होप, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, ठीक है। चलते आगे की ओर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। H2O का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O इज एट द टेम्परेचर। H2O का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है, 32 फारेनहाइट, 39.2 फारेनहाइट, 42 फारेनहाइट या फिर 4 फारेनहाइट। आई होप टिक लगा दिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन टू, ठीक है। ऑप्शन टू इसका हो जाएगा, यानी कि 39.2 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। चलते आगे को, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। गैस नियतांक आर का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको सही पे टिक मार लगाना है। रीड करके, ठीक है, तो आपने रीड कर लिया होगा और इसका जो गैस नियतांक का जो एसआई मात्रक है आपको सही बताना है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि जूल मोल यूनिवर्स केल्विन यूनिवर्स, ठीक है। अगर याद नहीं है तो इसको लिख लो, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। चलते आगे और, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी आदि की जाए तो कणों के मध्य का बल होगा, यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी आदि की जाए तो कणों के मध्य का बल क्या होगा गाइज। व्हेन जब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज हेल्ड द फोर्स बिटवीन देन बेकम, एक चौथाई हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा या फिर चार गुना हो जाएगा। दूरी कम कर रहे गाइज, देख लो दूरी आधी कर दी हमने, दूरी, ठीक है, डिस्टेंस आधी कर दी, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको बताना है और सही बताना है गाइज, गलत नहीं बताना इसको, ठीक है। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चार गुना हो जाएगा बल, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम दूरी घटा रहे हैं तो बल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आवश्यक कणों के बीच की दूरी को हम क्या कर रहे, तो गुलाम का नियम तो सबने पढ़ा होगा, नियम पढ़ रखे होंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने हमेशा आपसे बोल रखा है कि भौतिक विज्ञान में नियम रूल तो सारे याद करने हैं आपको, जितने भी लेंज के नियम है, आपके गुलाम के नियम है, ठीक है, बाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ का नियम है, बहुत सारे नियम आपके हैं तो आपको याद करना है, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, बहुत सारे आपके यहाँ पर नियम दिए हुए, तो उनको एक पेज में लिख लेना चाहे तो आप, क्योंकि ये जो नियम है ना ये हर जगह अप्लाई करना पड़ता है जहाँ पर इनका क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलते आगे की ओर, अगला क्वेश्चन है। तीन सदारित्रों को श्रेणी क्रम में रखा जाता है जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 फैराड है, परिणामी धारिता होगी। थ्री कंडीशनर इच ऑफ कैपेसिटेंस 2 Fr foot इन सीरीज द रिजल्टेड कैपेसिटेंस इज। संधारित्र आप सब जानते हैं, कैपेसिटर, ठीक है, तो उनको श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है, इस प्रकार के होते हैं। आपके पंखे वगैरह भी लगे होंगे कूलर में, देखना इस प्रकार गोल गोल से, वाइट वाइट से, तो इनको आप कैपेसिटर बोल सकते हो, ठीक है। इनको श्रेणी क्रम में अटैच कर दिया है तो रिजल्टेड क्या होगा बताइए।
सिक्स फेराडे, 3/2 फेराडे, 2/3 फेराडे या फिर 5 फेराडे। हाँ बिल्कुल श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। फॉर्मूला अप्लाई करो और पाओ आंसर। आई होप आपने कर लिया होगा गाइज। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, यानी कि 2/3 फेराडे। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्रभाव उत्क्रमणीय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर्सिबल, जूल इफेक्ट यानी कि जूल प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, सोबेक प्रभाव, थॉमस इफेक्ट। रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें रिवर्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए उनमें से तीन चीज़ें रिवर्सिबल है, तो आपको वन सेलेक्ट करना है जो रिवर्सिबल नहीं है, नॉट रिवर्सिबल। आई होप कर लिया होगा, 5 सेकंड का टाइम और दे देता हूँ। अब तो कर ही लिया होगा आपने टिक मार्क, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि जूल इफेक्ट। तो ये जो नॉट रिवर्सिबल है, बाकी सब क्या है, रिवर्सिबल है। तो आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो कि ये चीज़ें रिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ से आपको ये नॉलेज मिली है इस क्वेश्चन से, और जूल प्रभाव नहीं है रिवर्सिबल, ठीक है। तो चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साइक्लोट्रॉन का उपयोग निम्न में से किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, धन आयन को या फिर ऋण आयन को। साइक्लोट्रॉन का उपयोग निम्न में से किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है, लगा दो सेट पे टिक मार्क। आई होप लगा दिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी कि पॉजिटिव आयंस, ठीक है। यानी कि साइक्लो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसका उपयोग निम्न में से किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है, धन आयन को त्वरित करने के लिए। ओके चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट से रिलेटेड। सो गाइस जितने भी यूनिट है ना आपके फिजिक्स में, उनको रेडी रखना है आपको, क्वेश्चन बनता है 101%। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेरक तत्व की इकाई है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, क्या वोल्ट, वोल्ट मीटर है, वोल्ट एम्पियर, जूल एम्पियर, जूल सेकंड पर एम्पियर या फिर वोल्ट एम्पियर पर सेकंड। सही ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है, देख लो अच्छे से पढ़ लो। प्रेरक तत्व की इकाई यहाँ पर पूछी गई है। यूनिट तो बहुत सारी है आपके, तो उन सबको आपको याद करना होगा, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ को किस में मेज़र किया जाता है वो उनकी यूनिट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जैसे कि आंसर तो बता देते हैं बट उनको यूनिट्स पता नहीं होती है कि किस में को बताना है। आई होप आपने भी टिक मार लगाया लिया होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, इतना टाइम नहीं लगाएंगे वैसे। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइज, मैं आपको बता दूं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। जिसका ये 3 वाला चूज किया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और जिन्होंने गलत किया है ये क्वेश्चन तो यही वीडियो 2 से 3 बार देख लेना गाइज, यही पनिशमेंट है आपकी। अपनी ईमानदार से अपने आप को सज़ा देना सीखो गाइज, अगर आपको अपने आप को सज़ा देना आ गया ना तो आपकी लाइफ वैसे सुधर जाएगी, ठीक है। किसी की आप क्या करते हो, आपका माइंड क्या है, आप किसी को भी एक्सक्यूज़ देते रहते हो, किसी को भी वजह कि इसके वजह से ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं। अब अपने आप को तो सुधार लो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ सुधर जाएगी। किसी को एक्सक्यूज़ मत दो, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड सेट कुछ ऐसा होता है ना, वो हम किसी दूसरे को एक्सक्यूज़ देते रहते हैं अपनी गलती का। जिन्होंने अपने आप को सुधार लिया, अपने आप को एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी लाइफ वैसे सुधर जाएगी। तो आ गया होगा समझ में कि इसका ऑप्शन वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको यही नहीं, बहुत विज्ञान की बहुत सारे यूनिट्स आपको याद रखनी इकाइयाँ,
कि किसको किस में मेजर किया जाता है, ये बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पतांतर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पतांतर कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एन लेमडा प्लस वन, एन प्लस वन लेमडा पॉइंट टू, एन प्लस वन लेमडा पॉइंट टू यहाँ पर दिया हुआ है, और ऑप्शन फोर में दिया हुआ है कि टू एन प्लस वन लेमडा पॉइंट टू। तो क्या है विनाशी व्यतिकरण के लिए पतांतर कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस आपको बताना है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए गाइस। ये बात तो आपने सुनी होगी ना कि प्रकाश और प्रकाश मिलकर अंधेरा करता है, अमेजिंग है ना, बट ये सत्य है। ठीक है, प्रकाश और प्रकाश मिलकर अंधेरा करता है, वो उसका कारण यही है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो आपने भी टिक मार लगा दिया होगा इसके लिए, व्यतिकरण के लिए पतांतर कितना होना चाहिए जो विनाश कर सके व्यतिकरण का। सो गाइज, इसके लिए होना चाहिए राइट ऑप्शन टू एन प्लस वन लेमडा अपॉन टू। जिन जिनका ये क्वेश्चन सही था उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, क्योंकि इजी तो ऑलमोस्ट सब कर देते हैं, बट सभी भी नहीं करते, जो इंटेलिजेंट होते हैं ना वही छोड़ के आते हैं उनको। तभी तो मैं इजी और हार्ड दोनों की प्रैक्टिस आपके यहाँ पर जीके एमसीक्यूज एमके चैनल पर करा रहा हूँ, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लग सके कि यहाँ पर तैयारी अच्छी खासी होती है। ठीक है, चलते आगे की ओर। जिन जिनका सही था बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, समझो उनका इंटरेस्ट ले रहे, जिन जिनको ये आ गया था ना तो उनकी अच्छी खासी कंडीशन है गाइस। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या मापता है। गाइस, मैंने बोला था न्यूटन के तीनों गति के नियम आपको अच्छी तरह से कंटेस्ट याद होना चाहिए और नॉलेज पूरी होनी चाहिए उनके बारे में। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, न्यूटन सेकंड लॉ गिव द मेजर ऑफ। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या मापता है, एक्सेलरेशन त्वरण, फोर्स बल, मोमेंटम यानी कि संवेग, या फिर एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। सही पे आपको टिक मार लगाना है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके इंटरेस्ट में। आई होप आपने लगा दिया होगा टिक मार्क। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन टू यानी कि फोर्स बल का। ठीक है, यानी कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बल का मापन करता है, ये चीज़ जिसको पता थी तो उसने तो सही किया होगा ये क्वेश्चन। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सदिश थ्री आई प्लस फोर के कैप का वाई एक्स पर प्रक्षेप होगा। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर थ्री आई कैप प्लस फोर आई कैप ऑन वाई एक्सिस इज 5 4 3 0। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, वाई एक्स पर प्रक्षेप आपको बताना है इनका, बहुत अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जिन जिनको आ गया बहुत बहुत धन्यवाद, टिक लगा दिया, बहुत सारों ने 5 पे लगाया होगा, बहुत सारों ने 4 पे, बहुत सारों ने 3 पे, बहुत सारों ने 0 पे। ठीक है, तो देख लेते किन किन का सही है। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 0। जिन जिनका 4 सही था बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और वो अपने आप को भी धन्यवाद दे सकते हो। चलते आगे एक और। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पानी का त्रिक बिंदु है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। 273.16 फ़ारेनहाइट, 273.16 केल्विन, या फिर 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 273.16 R। ट्रिपल पॉइंट आपको बताना है, टिक मार लगा दिया, चेक ना इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, और जिनका ये सही जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, और जिन जिनका था बहुत बहुत अच्छा, गुड ब्लेस यू। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, दो शुद्ध प्रेरक तत्व जिनमें प्रत्येक का सौ प्रेरक तत्व एल है। ध्यान से सुनना,
दो शुद्ध प्रेरक तत्व जिनमें प्रत्येक का प्रेरक तत्व एल है समांतर क्रम में जुड़े हुए यानी कि कंबाइन, किंतु एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, इनका परिणामी प्रेरक तत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, दो शुद्ध प्रेरक तत्व जिसमें प्रत्येक का प्रेरक तत्व एल है समांतर क्रम में जुड़े हुए किंतु एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, परिणामी प्रेरक तत्व आपको बताना है। टू प्योर इंडक्टर इज ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल आर कनेक्टेड इन पैरेलल बट आर वेल सेपरेट फ्रॉम इच अदर द टोटल इंडक्शन इच। तो आपके सामने ऑप्शन है टू एल 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 अपॉन टू एल अपॉन फोर। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या आंसर हो सकता है सोच समझ के बताना है, गलती नहीं जाना चाहिए, जितना हो सके सही बताने का प्रयत्न किया करो गाइस, ठीक है। और इससे भी हार्ड चाहिए तो बोल सकते हो कि सर इससे भी हार्ड क्वेश्चन बनाइए, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और जेके लोन जॉब चैनल है वहाँ पर तो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है ना। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है एल अपॉन टू, ठीक है, परिणामी एल अपॉन टू, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद। और जेके लोन जॉब चैनल है वहाँ पर आपको रोजाना, ठीक है, चैप्टर वाइज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे सर चैप्टर वाइज चाहिए, तो वहाँ पर हम चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो जेके लोन जॉब चैनल है उसका भी लिंक दिया हुआ है। और गाइज अगर आपने इस चैनल के सारे वीडियो नए देखे ना तो जाके देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे लोगों पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके आप सारे वीडियो रीड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद।